अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपको लेडीज़ के लिए एक बहुत खूबसूरत नेक डिज़ाइन बनाना बताऊंगी और इसमें हम फ्रिल कॉलर अटैच करेंगे और पोटली बटन अटैच करेंगे। पोटली बटन लगाने के लिए नॉर्मली हम हाफ प्रेशर फुट यूज़ करते हैं, उससे पोटली बटन नीटली भी लगते हैं और ईजिली भी अटैच हो जाते हैं। लेकिन अगर अवेलेबल ना हो हाफ प्रेशर फुट, तो उस केस में आप डबल प्रेशर फुट भी यूज़ कर सकते हैं और वो मैं तरीका आज आपको बताऊंगी। आपके सामने मैं डबल प्रेशर फुट से पोटली बटन अटैच करके दिखाऊंगी। तो चलें शुरू करते हैं। मैंने इसके लिए ये पेपर पेस्टिंग लिया है और इसकी चौड़ाई 5 इंच है, ये फोल्डिंग में है और इसकी लंबाई मैंने 14 से 15 इंच ली है। तो सबसे पहले हम नेक की चौड़ाई के लिए मार्किंग करेंगे। नेक की चौड़ाई के लिए मैं 3.25 इंच पर मार्क करूँगी और गहराई के लिए मैं 6 इंच पे मार्क करूँगी और एक निशान हम 13 इंच पर लगाएंगे। यहाँ तक हमारी स्लिट जाएगी। अब हमने यहाँ पर एक बॉक्स बना लेना है जो हमने 6 इंच पे मार्क किया है, इस लाइन को एक्सटेंड करके, और 3.25 पे जो हमने मार्क किया था इसको एक्सटेंड करेंगे और इस बॉक्स के अंदर हम अपने नेक की शेप देंगे। नेक की शेप हमने यहाँ से थोड़ा सा नीचे लाते हुए इस तरह यहाँ पर थोड़ी सी गोलाई देते हुए और ऊपर वाली सीधी लाइन से मिला देना है। तकरीबन आधा हम सीधा रखेंगे और उसके बाद हम इस तरह गोलाई देंगे हल्की सी और नीचे से ये पॉइंटेड हो जाएगा। इस तरह से हम नेक की शेप देंगे। अब हम तकरीबन इन पॉइंट से 1-1 इंच तक हमने बुकरम की कटिंग करनी है। यहाँ से नहीं बल्कि हमने यहाँ पर भी 1 इंच का मार्जिन रखना है इस तरह से। और हमने जो स्लिट के लिए पॉइंट लगाया था 13 इंचेस पर, यहाँ से हमने बिल्कुल बारीक बारीक बुकरम को कॉर्नर से कट करना है इस तरह से, बिल्कुल बारीक बारीक। और यहाँ ऊपर बिल्कुल नेक की शेप से हमने इस तरह कट करना है जहाँ हमने मार्क किया है। तो ये हमारी नेक की कटिंग हो गई है इस तरह से। अब हम इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। तो ये देखिए, मैंने फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट किया है और साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने ट्रिम कर लिया है थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए। अब हम नेक को ऐसे मिलाएंगे और सेंटर पे मार्क करेंगे। इसके लिए हम यहाँ छोटा सा कट लगा लेते हैं। तो ये हमारी नेक का सेंटर है। इसके बाद ये जो साइड पे फैब्रिक है इसको हम बुकरम के ऊपर ऐसे फोल्ड करके इसकी फिनिशिंग करेंगे और इसके लिए हम छोटे छोटे कट लगाएंगे क्योंकि ये गोलाई में है तो फोल्डिंग में आसानी होगी। ये देखिए, मैंने साइड से फिनिशिंग कर ली है। अब हम अपनी शर्ट का फ्रंट पार्ट लेंगे और इसके सेंटर पर मैंने मार्क कर लिया है प्रेस करके, ये इसका सेंटर है और ये राइट साइड है। राइट साइड के ऊपर हम ये अपना नेक रखेंगे और बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। मैंने पिंस लगा ली थी, इस तरह से गला अपनी जगह से हिलेगा नहीं। नेक को राइट साइड पर अटैच करने के बाद अब हम थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। यहाँ से कटिंग करते हुए ध्यान रखना है कि सिलाई बीच में नहीं आनी चाहिए क्योंकि यहाँ मार्जिन बहुत कम है। तो देखिए, हमने सेंटर से कट कर लिया है। अब हम छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे और बुकरम को हम रॉन्ग साइड पर पलट लेंगे इस तरह से और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब हमने यहाँ स्लिट के नीचे एक स्ट्रिप अटैच करनी है। हम इसके लिए इसकी लेंथ नाप लेंगे, ये तकरीबन 6 से 6.5 इंच है। हम 8.5-9 इंच लंबा कपड़ा लेंगे। ये देखिए, ये तकरीबन 3-4 इंच चौड़ा है और इसको मैंने एक साइड से फोल्ड करके फिनिशिंग किया है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे और इस स्लिट के नीचे रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है।
अब हमने यहाँ पर पोटली बटन्स लगाने हैं। पोटली बटन्स बनाने के लिए मैंने कल ही वीडियो अपलोड की है, वो आप देख सकते हैं अगर आपको पोटली बटन बनाने नहीं आते। तो ये पोटली बटन्स हम एक एक करके स्ट्रिप के ऊपर रखें इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। हमने चूँकि डबल पैर के साथ सिलाई लगानी है इसलिए ये देखिए हम पोटली बटन इस तरह से रखेंगे और सिलाई हमारी स्ट्रिप के ऊपर आएगी। हमारा जो प्रेशर फुट है ये भी स्ट्रिप के ऊपर है। अभी हमने पोटली बटन के साथ इतना ज़्यादा टच नहीं करना अपना प्रेशर फुट, ताकि पोटली बटन की फिनिशिंग अच्छे से हो जाए। इस तरह बिल्कुल साथ साथ रखते हुए हमने पोटली बटन अटैच कर लिए हैं। ये देखिए ये स्ट्रिप के ऊपर हैं और हमारी शर्ट पर सिर्फ पोटली बटन आएंगे और जिनका एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो सारा स्ट्रिप के ऊपर है। अब हम दूसरी साइड इस तरह से उसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। पहले हम सिलाई तकरीबन 1 सेंटीमीटर के फासले पर या आधे इंच के फासले पर लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद हमने बिल्कुल करीब सिलाई लगानी है। उसके लिए ये देखें पोटली बटन को अच्छे से आपने ऐसे दबाना है, बिल्कुल बिठा लेना है इस तरह से, अच्छे से दबा लें। और जो प्रेशर फुट है वो आपने बिल्कुल किनारे पर लेकर आना है और सिलाई बिल्कुल आहिस्ता रखनी है। और प्रेशर फुट आपका आधा पोटली बटन के ऊपर आना चाहिए। इसको अच्छे से दबा लेना है, ये देखिए इस तरह से। आपने पहले ही इस बात का ध्यान रखना है कि प्रेशर फुट पोटली बटन के ऊपर रखना है हमने और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इसको सिलाई करना है। ये देखिए पोटली बटन को ऐसे दबाते जाएं, अच्छे से बिठा लें और बिल्कुल आराम आराम से किनारे पर सिलाई लगाएं। पहले जो हमने पोटली बटन्स को अटैच कर लिया है और यहाँ जो आधे इंच पर हमने सिलाई लगा ली है, इससे हमारे पोटली बटन भी और हमारी जो शर्ट है वो अपनी जगह पर फिक्स हो गई है। इसलिए हमें ये सिलाई लगाते हुए ना हमारे पोटली बटन्स अपनी जगह से हिलेंगे और ना ही हमारी शर्ट आगे पीछे होगी। इसलिए बहुत आराम से ये देखिए सिलाई इस तरह किनारे पर लगाते जाएँ। हमारा आधा प्रेशर फुट पोटली बटन के ऊपर आएगा। पोटली बटन को ऐसे दबा कर आपने बिठा लेना है इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हमने सारी पोटली बटन्स अटैच कर लिए हैं। अब हम इनको दोबारा से इस तरह गोल शेप दे लेंगे क्योंकि हमने इनको दबाकर बिठा लिया था। तो ये देखिए इस तरह बहुत नीटली हमारे पोटली बटन्स इनकी फिनिशिंग हो गई है। और नेक में मैंने नीचे इस तरह हैंड स्टिच करके इसकी भी फिनिशिंग कर ली है। अब हम बैक का पार्ट रखेंगे और शोल्डर्स को अटैच करेंगे। तो इस तरह से शोल्डर्स मिलाकर हम यहाँ स्टिच कर लेंगे। ये देखिए मैंने फ्रंट और बैक को अटैच कर लिया है। अब हम इस तरह गला मिलाएंगे फ्रंट का और बैक नेक की थोड़ी सी कटिंग करेंगे। बैक नेक की आपने बिल्कुल थोड़ी सी कटिंग करनी है, ये बिल्कुल आधा इंच पे आपने कटिंग करनी है, ठीक है। बिल्कुल थोड़ी सी, ये भी थोड़ी सी ज़्यादा है, आपने बिल्कुल आधे इंच पर कटिंग करनी है। ये देखिए मैंने थोड़ा सा मार्जिन रखा है इस तरह से, ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा मार्जिन रखना है। और यहाँ पर हम इसी शेप में एक और स्ट्रिप कट करेंगे बैक नेक की शेप में और बैक नेक की फिनिशिंग करेंगे। तो ये देखिए मैंने एक स्ट्रिप लिया, इसको फोल्ड करेंगे और इसी शेप में हम कटिंग करेंगे। अब इसको हम बैक पार्ट की ये राइट साइड है इस पे रखेंगे और यहाँ स्टिच करके रॉन्ग साइड पे फोल्ड करके इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसकी फिनिशिंग कर ली है बैक नेक की भी, ये तकरीबन सीधी ही होगी बैक नेक। अब हमने यहाँ पर फ्रिल अटैच करनी है, तो हमें उसके लिए एक स्ट्रिप काटनी है। पहले हम अपने जो फ्रिल हमने लगानी है उसकी लेंथ चेक कर लेते हैं कि हमें कहाँ से कहाँ तक फ्रिल अटैच करनी है। तो ये देखिए गले की जहाँ पर गुलाई स्टार्ट हो रही है इससे थोड़ा सा ऊपर हम यहाँ पर मार्क करेंगे
और इसी तरह का मार्क दूसरी तरफ भी लगाएंगे ताकि फ्रिल दोनों साइड पर बराबर आए। और अब हम ये लेंथ चेक करेंगे कि इस पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक कितनी लेंथ है। तो ये तकरीबन 15 से 16 इंच बन रहा है और जो हमने स्ट्रिप कट करनी है वो कम से कम इसे दुगनी और उससे थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैंने ये 40 इंच लॉन्ग स्ट्रिप ली है और इसकी चौड़ाई 4 इंच है। इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और एक साइड से हम इसको स्टिच कर लेंगे। ये रॉन्ग साइड बाहर की तरफ है। ये देखिए मैंने एक साइड से स्टिच कर लिया है और ये साइड हमारी बंद है। यहाँ पर भी सिलाई लगाई है जिससे हम राइट साइड बाहर निकालेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने राइट साइड बाहर निकाल ली। अब हम यहाँ पर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए स्ट्रिप को मैंने प्रेस कर लिया है। अब हम नीडल और थ्रेड लेंगे और एक साइड पर नॉट लगा लेंगे और जहाँ पर हमने अभी सिलाई लगाकर सीधा किया है यहाँ पर हम रनिंग स्टिच करेंगे, क्योंकि हमने अपनी फ्रिल में प्लीट्स नहीं डालनी बल्कि हमने चुनटे डालनी हैं। तो चुनटे एक जैसी चुनटे डालने का ये बेहतरीन तरीका है कि आप इस तरह से रनिंग स्टिच करें तो बिल्कुल बराबर चुनटे आती हैं। ये देखिए एक साइड पर एक्स्ट्रा थ्रेड है जहाँ से हम अपनी ये चुनटे एडजस्ट करेंगे। तो अब हम शर्ट में जहाँ पर हमने मार्क किया था यहाँ पर हमने सिंपली टॉप स्टिच करना है अपनी फ्रिल को इस तरह से। और ये जो एंड होगा इसको हमने ऐसे चकोर नहीं रखना बल्कि हम इसको ऐसे अंदर कर लेंगे और यहाँ पर गुलाई सी आ जाएगी। तो ये देखिए हम इसके अपने फ्रिल को इस तरह से अंदर दबाएंगे, इस मार्क से हम स्टार्ट करेंगे और गैदर्स इस तरह एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। और शर्ट के नीचे रखकर हम इस तरह टॉप स्टिच कर लेंगे। और बिल्कुल सिंपल तरीके से हमारी फ्रंट नेक की भी फिनिशिंग हुई हुई है और बैक नेक की भी फिनिशिंग हुई हुई है। हम स्ट्रिप नीचे रखकर और टॉप स्टिच कर लेंगे और बहुत आसानी से हमारी फ्रिल अटैच हो जाएगी। अब यहाँ शोल्डर पर आने के बाद हमने एंड पर फिर उस मार्क पे लाने से पहले गुलाई देनी है। तो यहाँ पर हम अपनी फ्रिल को इस तरह एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए हमारी फ्रिल भी इस तरह से अटैच हो गई है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। आई होप कि आपको क्लियरली नज़र आ रही हो। और ये पोटली बटन्स भी हमारे अटैच हो गए हुए हैं। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।